बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन आमिर, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो पॉपसिकल्स। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पॉपसिकल्स की ट्रे ली हुई है। ये आसानी से मार्केट से आपको 100 रुपीज़ में मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर हमने आम लिए, एक बड़ा आम लेके उसको छोटा छोटा काट के रखा हुआ है। एक लेमन लेकर हमने उसका जूस निकाल के रखा हुआ है। और 2 से 3 टेबल स्पून हमें चीनी चाहिए, क्योंकि आम वैसे ही मीठे होते हैं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम एक ब्लेंडिंग जार लेंगे, उसमें हम आम डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे, चीनी ऐड करेंगे और 1/2 कप के करीब इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें, ये अच्छे से ब्लेंड हो गई है बिल्कुल। अब यहाँ पे हम पॉपसिकल स्टिक ट्रे लेंगे और इसकी स्टिक हटाएंगे यहाँ पे, और जो हमने मैंगो का जो मिक्सचर बनाया वो इसमें डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा कर करके। बस इस तरह से हम सब ट्रे में लगा देंगे। ये देखिए, हमने तमाम मैंगो का मिक्सचर जो है वो पॉपसिकल्स में डाल दिया। अब हम इसकी स्टिक लगा देंगे, सब स्टिक लगा देंगे इसी तरह करके। ये देखिए, हमने तमाम स्टिक लगा दी हैं। अब पॉपसिकल्स रेडी हो गए। अब इसको हम 10 से 12 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे और फिर जब ये रेडी हो जाएंगे तो हम आपको निकाल के दिखाते हैं। 12 घंटे हो गए हैं, हमने फ्रीज़र में से मैंगो पॉपसिकल्स निकाल लिए हैं यहाँ पर। इसके लिए इसको अब हम डिमोल्ड करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर सादा पानी लिया हुआ है रूम टेम्परेचर पर। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टिक उठाएंगे और इसको 10 से 11 सेकंड के लिए इसमें डिप करेंगे। ये हो गया, और अब इसको आराम से यूँ करके निकालेंगे। ये देखें, मज़ेदार सी हमारी मैंगो पॉपसिकल्स स्टिक्स रेडी हो गई हैं। ये देखें, इसी तरह हम दूसरे को करेंगे। बस ये देखिए, इसी तरह ये करते जाना है और इनको आराम से निकालते जाना है। ये बहुत ही मज़े की बनी है, आप अपने घर में बनाएं, बच्चों को जो सा भी फ्लेवर बच्चों को पसंद हो, जो भी आपके पास फ्रूट्स हो आप बनाना चाहें तो ये आप बसानी घर में बना सकते हैं और अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।